दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के नए अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, अभी जो WhatsApp यूज़ कर रहे हैं उसका लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन अब जो मैं अपडेट देने जा रहा हूं वो WhatsApp का लुक आप देखते रह जाएंगे। तो इसे कैसे अपडेट करना है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से इसमें थीम्स ऐड हुए हैं और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको WhatsApp को ओपन करना है, फिर यहाँ राइट कॉर्नर में जो थ्री डॉट्स हैं उस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ चैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ चैट बैकअप पर क्लिक करना है। अब चैट बैकअप पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब आप इस WhatsApp को अनइंस्टॉल करेंगे तो ये आपका बैकअप जो है वो सेफ रहेगा। अब मैंने चैट बैकअप कर दिया है, तो अब WhatsApp से बाहर आते हैं और WhatsApp को अनइंस्टॉल करते हैं। अब दोस्तों, WhatsApp को अनइंस्टॉल कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करें और WhatsApp को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। अब दोस्तों, WhatsApp यहाँ डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल करना है। फिर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस उसी तरह का देखने को मिलेगा जैसे पहले था। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिस्टोर और एग्री दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है। फिर आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका पुराना बैकअप वापस आ जाएगा। तो अभी मैंने रिस्टोर पे क्लिक कर दिया है, तो जितनी भी हमने चैटिंग की हुई थी वो वापस आ जाएगी। और यहाँ पर नाम डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ देखोगे किस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ गूगल ड्राइव बैकअप के लिए बता रहा है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप चाहें क्लिक करें। मैंने नेवर पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद डन पर क्लिक करें और यहाँ क्लोज पर क्लिक करें। तो ये रहा WhatsApp का नया लुक। आप यहाँ देखेंगे WhatsApp का पूरी तरह से लुक चेंज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस WhatsApp के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोफाइल का सेक्शन मिल जाता है, तो आपने अपने प्रोफाइल में जो भी फोटो लगाई होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है, आपके मोबाइल में जितने भी सॉन्ग्स होंगे और वो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहीं से आप म्यूज़िक प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेटस का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप WhatsApp के सभी स्टेटस को देख सकते हो। फिर यहाँ नीचे इस कॉर्नर पर क्लिक करें तो चार ऑप्शन मिलते हैं, कस्टम, स्प्लिट वीडियो, स्टेटस टैग्स और कैमरा स्टेटस। तो बात करें कस्टम की, ये तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया है, क्योंकि आप यहाँ से किसी भी नंबर को बिना सेव किए चैट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपको कोई नंबर सेव नहीं करना है और उस नंबर के WhatsApp पर आपको मैसेज करना है, तो आपको सिर्फ उस नंबर को यहाँ पर डालना है, तो आप यहाँ से मैसेज कर सकते हो और उसे कॉल भी कर सकते हो बिना नंबर को सेव किए हुए। तो ये फीचर बहुत खास है। उसके बाद दोस्तों, स्प्लिट वीडियो, इसमें आप वीडियो को शॉर्ट बना सकते हो। उसके बाद स्टेटस टेक्स्ट, इसमें आप तरह तरह के टेक्स्ट बनाकर स्टेटस रख सकते हो। उसके बाद आप चैट पर क्लिक करें, चैट पर एक खास फीचर है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से टाइप करें और उसके बाद यहाँ देखें, एक आइकॉन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें से एक मैं यहाँ बता देता हूँ फैंसी टेक्स्ट का, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ ऊपर देखें तो शॉर्टकट आइकॉन देखने को मिलेंगे, इसमें सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कोई भी कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, फिर कॉलिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, फिर आखिर में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें देखें कौन कौन सी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है थीम एप्लीकेशन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें लाइट थीम, डार्क थीम, ट्रांसपेरेंट थीम और कस्टम कलर थीम। तो आप यहाँ डार्क मोड में भी कर सकते हैं, कितना बढ़िया लुक हो गया है डार्क थीम में। उसके बाद बात करें ट्रांसपेरेंट थीम की, उस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पूरी तरह से आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यहाँ आपको आपके फ़ोन का बैकग्राउंड दिखता रहेगा। नेक्स्ट थीम की बात करें, कस्टम कलर थीम, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से जो भी कलर या बैकग्राउंड रखना चाहें रख सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट थीम रखता हूँ जो कि लाइट थीम है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए यहाँ FM थीम का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड यो थीम्स पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़े तो देखें यहाँ पर यूनिवर्सल का ऑप्शन दिखेगा। यूनिवर्सल पर क्लिक करने के बाद आपको कलर्स, स्टाइल्स, हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, बैकअप एंड रीस्टोर और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से जैसे चाहें सेटिंग्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है होम स्क्रीन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से होम स्क्रीन को भी मैनेज कर पाएंगे। काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं इसमें भी। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्सेशन स्क्रीन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक्शन बार, बबल एंड टिक्स, पिक्चर्स, कन्वर्सेशन, इंटरेस्ट स्टाइल और काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ मॉड्स में देखें तो यहाँ हर एक कॉन्टैक्ट के लिए वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ नीचे है हाइड डेट एंड टाइम। दोस्तों अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आप एक से ज़्यादा मैसेज कॉपी करते हो, लाइक दो तीन या बहुत सारे, तो जब उसे पेस्ट करते हो तो उसमें डेट एंड टाइम भी पेस्ट हो जाता है और वो काफ़ी इरिटेटिंग बन जाता है। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन की मदद से उसे हटा सकते हो। तो है ना कमाल की सेटिंग। उसके बाद आप प्राइवेसी में चलते हैं। तो पहले है फ्रीज लास्ट सीन। आप लास्ट सीन को यहाँ से छुपा सकते हो। उसके बाद है डिसेबल फॉरवर्डेड। इस ऑप्शन की मदद से आप जो भी मैसेज फॉरवर्ड करेंगे इसमें फॉरवर्ड का जो टैग देखने को मिलता है वो अब नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन कॉल मी। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं कि कौन आपको कॉल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड व्यू स्टेटस। इसकी मदद से आप अगर किसी का स्टेटस देख लेते हो तो उसको पता नहीं चलेगा। उसके बाद है एंटी डिलीट मैसेजेस। आप इसका यूज़ अपनी चैटिंग में कर सकते हो। उसके बाद है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। तो यहाँ से आप ब्लू टिक्स को ऑन कर सकते हो। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स की प्राइवेसी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप है। आप यहाँ से ग्रुप की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्लू टिक्स, सेकंड टिक्स, ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग। तो ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आपको तीन तरह के लॉक मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन। तो आप इनमें से कोई भी लॉक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है चेंज पासवर्ड, चेंज पैटर्न, रिकवरी क्वेश्चन, चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर, मेक पैटर्न इनविजिबल, डिसेबल पैटर्न वाइब्रेशन। तो आपको इस अपडेट में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इतने सारे चेंजेस और फीचर्स शायद ही आपको पहले कभी देखने मिले हों। तो दोस्तों इस अपडेट को यूज़ करने के लिए पहले आपको चैट बैकअप करना होगा। बैकअप करने के बाद आप अनइंस्टॉल करें व्हाट्सएप को। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके इस अपडेट को पा सकते हैं। यहाँ अगर राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स पर क्लिक करें तो पहले से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे ज़रूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।